हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति स्पेशल थाली लेकर आई हूँ। हमारे इधर ये खिचड़ी बनाते हैं चावल और काली दाल की, मतलब उड़द की दाल की। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने एक कटोरी चावल लिया है और आधी कटोरी ली है उड़द की दाल छिलके वाली, और इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। तो देखिए, कुकर ले लिया है मैंने। अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी, उसको गर्म होने देंगे हल्का सा। फिर इसमें हींग डाल देंगे हम। ये बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ भी मसाले नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि 1 कटोरी चावल और आधी कटोरी दाल थी, तो 3 कटोरी पानी डालेंगे हम पूरा भर के। अब हमने जो चावल दाल धोकर रखा था वो डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसे ढक्कन लगा के हम 3 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर, या फिर पहले बॉईल आने दे फिर ढक्कन लगा के इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट, और 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाए तो भी ये पक जाएगी। देखिए, इसे सर्व करके दिखा देती हूँ मैं। कुकर ठंडा होने के बाद खोला था मैंने। देखिए, इसे तब रख डालते हैं प्लेट में। फिर इसे घी डालते हैं बहुत सारा, और इसमें नींबू डालते हैं। ये 2 चीज़ से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हींग तो डालना ही है हमें। और तिल के लड्डू भी बनाए थे मैंने, जो इसके साथ ही खाएंगे हम। ये भी बहुत अच्छे बने थे। तो चलो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।